आवाज़ देश भर में पढ़ी गई, देश भर के साथ साथ दिल्ली में भी पढ़ी गई। दिल्ली के जामा मस्जिद में हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, कि ईद पे विशेष क्या रहा, ईद की नमाज़ आज अदा की गई है, तो आपने क्या दुआएं मांगी? हमने अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं मांगी और मुस्लिम आवाम के लिए दुआएं मांगी, जिससे उनके मतलब रिज़क और उनके रोज़गार में मतलब तरक्की होता फरमाया अल्लाह ताला। और बहुत खुशी हुई, पहली बार मैंने यह नमाज़ पढ़ी थी, जो क्राउड था काफ़ी अच्छा लगा। और ईद उल फितर इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट त्यौहार जो है, काफ़ी अच्छा फील हुआ है। अच्छा फील हुआ आपको ईद उल फितर पे नमाज अदा करके? आपने फैमिली से दुआएं मांगी, उन्होंने यहाँ पे आप मौजूद हैं, आपने क्या दुआएं मांगी आज ईद के मौके पे खास? नहीं, ईद पर ये मांगा कि अमन शांति रहे और सब भाईचारे से रहें एक साथ और मिलजुल कर रहें। ईद का उत्साह आप यहाँ में लोगों में देख सकते हैं, काफ़ी क्राउड है और बच्चे भी हैं यहाँ पे। हम बच्चों से बात करना चाहेंगे, आप आज ईद पे खास क्या करोगे? आज हम पहले सेवैयाँ खाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने खेलेंगे कूदेंगे और फिर हम वो पूरा दिन बिताने के लिए कहीं जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे फिर। अच्छा, दिन बिताने के लिए जाए, आप ईद पे क्या करोगे आज? हम आज अपनी बुआ के घर जाएंगे और वहाँ पे सेवैयाँ खाएंगे और बहुत मज़े करेंगे। बच्चों में खास करके इस त्यौहार का उत्साह देखा जाता है, क्योंकि ईदी जो है उनको मिलती है और वो खास करके इस त्यौहार पे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और बच्चों का उत्साह आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ मौजूद है, जामा मस्जिद में भी हम इस वक्त मौजूद हैं और लोग होंगे जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने ईद पे क्या खास मांगा? ईद से हम सर गुरगामा से आए हुए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और मेरा शौक भी था, हर साल मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हरियाणा से यहाँ आता हूँ दिल्ली। ये मेरा इरादा है, भाई लोगों से जानी यही है, जो मैं ईद की नमाज़ से मेरी तरफ से यही है, मेरी तरफ से सलाम है, यही तरफ दुआ है। थैंक्स। ईद की सलाम है, ईद की दुआ है, ईद मुबारक, सबकी जुबान पे यही शब्द आता है और सभी लोग एक साथ आज मिलने और मिलाने की बात करते हैं। ईद का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है और इस वक्त हम थे जामा मस्जिद में, यहाँ पे लोगों से बात की और लोगों से बात करके हमने पूछा कि क्या चाहते हैं। लोगों ने दुआएँ मांगी, अमन शांति की दुआएँ मांगी हैं और पूरे देश में त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ कमल सिंह, पंचायती टाइम्स न्यूज़, दिल्ली।